Dear students, my name is Purvita Divedi and I will teach you computer. In our previous classes, we learned about hardware and software are two parts of a computer system. पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के टू पार्ट्स हैं. नाउ हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स. हार्डवेयर कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? फोर ग्रुप्स में. इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस. एंड सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. सॉफ्टवेयर कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? टू ग्रुप्स में. वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. In our previous classes, we learned about what is hardware and what is input units. पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हार्डवेयर क्या होता है और इनपुट यूनिट्स क्या होती हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आउटपुट यूनिट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस. आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आउटपुट यूनिट्स क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होता है और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आउटपुट यूनिट्स के बारे में. आउटपुट यूनिट्स क्या होता है? ऐसे डिवाइसेस जिनके हेल्प से हम लोगों ने कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन दी है या जो भी डाटा को एंटर कराया है वो हमें दिखाई दे या फिर हमें रिजल्ट प्रोड्यूस कराए, वो क्या होती हैं? आउटपुट यूनिट्स. जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट यूनिट्स. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस. अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? ऐसे डिवाइसेस जो कि इनपुट को किस में ट्रांसफ़र करें? आउटपुट में. उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट. जैसे कि सीपीयू एंड मदरबोर्ड आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस. अब नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं? ऐसे डिवाइसेस जिसमें कि हम लोग डाटा को स्टोर कर सकें, कि जिससे भी हमें कभी भी ज़रूरत हो तो हम लोग उसे ओपन कर सकें, वो डिवाइसेस क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस. पेन ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी आर सम एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज सॉफ्टवेयर. जो भी इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसे करना क्या है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. नाउ सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिजाइन टू वर्क विद अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डिज़ाइन किए गए हैं हार्डवेयर के साथ वर्क करने को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. विंडोज, यूनिक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किए गए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क को करने के लिए या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल नहीं होता है, इसे हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है. जैसे कि हम लोग को अगर मोबाइल में कोई ऐप या कोई गेम खेलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले उसे इंस्टॉल करते हैं, फिर जाके हम खेल पाते हैं गेम. ठीक उसी तरीके हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं. टक्स पेंट, एमएस ऑफिस एंड वर्ड पैड आर सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स लर्न अबाउट विद फिगर.
फर्स्ट फिगर इज सीपीयू। पहला फिगर हमारा किसका है? सीपीयू का। सीपीयू क्या करता है? जो भी हम लोग इनपुट देते हैं उसको किस में ट्रांसफर करता है? आउटपुट में। तो सीपीयू एक कैसा डिवाइस है हमारा? प्रोसेसिंग डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज मॉनिटर, स्पीकर एंड हेडफोन्स। दीज थ्री फिगर्स आर फॉर आउटपुट यूनिट्स और आउटपुट डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमें ये दिखाई देता है जो भी वर्क हम लोग करते हैं या जो भी हम लोग का रिजल्ट होता है वो कहाँ पे दिखाई देता है? मॉनिटर पे। तो ये कैसा डिवाइस है हमारा? आउटपुट यूनिट्स या फिर आउटपुट डिवाइसेस है। स्पीकर क्या है हमारा? ये भी आउटपुट डिवाइसेस है। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग को सॉन्ग सुनने होते हैं वो इसे प्ले करता है और इसी के हेल्प से हम लोग सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्पीकर भी क्या है? एक आउटपुट यूनिट्स है या फिर आउटपुट डिवाइसेस है। नाउ नेक्स्ट इज सीडी एंड पेन ड्राइव। ये दोनों ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें वो डेटा मिल जाए। तो ये कौन से डिवाइसेस हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मॉनिटर, स्पीकर एंड हेडफोन आर आउटपुट डिवाइसेस, एंड सीडी एंड पेन ड्राइव आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हमें क्या पढ़ना है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कंपैरिजन को। फर्स्ट इज हार्डवेयर। इट इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हार्डवेयर क्या है? एक कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। सेकेंड इज सॉफ्टवेयर। इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेट हेल्प अस टू रन अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिसके हेल्प से कंप्यूटर रन करता है। नेक्स्ट हार्डवेयर कैन बी टच्ड। हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। थर्ड है हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। उसी तरीके सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट हार्डवेयर। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के बिना कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। हार्डवेयर कैन बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड इफ़ इट इज़ डैमेज। अगर हार्डवेयर में कोई भी खराबी आ जाती है या किसी भी तरीके से वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ रीइंस्टॉल्ड इफ़ इट इज़ डैमेज्ड। ठीक उसी तरीके सॉफ्टवेयर को भी हम लोग फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी खराबी आ जाती है। दिस इज़ द एंड ऑफ अवर चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर इज़ टॉट। इफ़ नॉट यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी वेल एंड स्टे होम and stay safe. Thank you, class.